आपके जीवन में प्रलोभन है, परीक्षा की घड़ी आती है, लेकिन जब परीक्षा में आप पढ़ते हैं आप करते क्या है? उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसमें गिरते हैं? और गिरने के बाद क्या करना है कुछ पता नहीं, पर परीक्षा में गिरने के बाद या प्रलोभन में गिरने के बाद जब हम प्रभु के पास जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ईश्वर आपको नहीं समझ पाते हैं? आज के मनन चिंतन में हम प्रभु की परीक्षा की जो घटना हुई थी उनके जीवन के प्रारंभ में, उस वचन पर मनन करके हम प्रभु से सीखेंगे प्रलोभन का सामना कैसे करना चाहिए, और इसके साथ साथ उनके शरीर धारण की वास्तविकता को, हमारे साथ रहने वाले इस प्रभु की वास्तविकता को और कुछ बेहतर आज जानेंगे। भाई हम प्रारंभ करते हैं, आप अपने साथ अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लीजिए, अपना जो उचित स्थान है उसको चुन लीजिए, वहां आप बैठ जाइए। साधना शुरू करने के पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। इस सच्चाई को ध्यान में रखिए कि हर जगह ईश्वर उपस्थित है, ईश्वर हमारे साथ है हमेशा। यहाँ इस प्रार्थना इस साधना को हम उनकी उपस्थिति में करने की कोशिश करें, इसलिए अपने आप को उनके चरणों में रखें, उनकी उपस्थिति में रखें, अपने आप को याद दिलाएं, विश्वास दिलाएं, यहाँ ईश्वर मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे बगल में उपस्थित है। ये बहुत जरूरी है, ये निर्णायक है वास्तव में, इसलिए उसको कर दीजिए। भाई हम शुरू करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम दयालु पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं मेरे पिताजी, तेरे पुत्र के लिए जिनको हमारे मुक्तिदाता के रूप में हमारे बीच में भेजे, वे हमारे बीच में आकर हमारे समान रहे, हर बात में हमारे समान रहे, केवल पाप नहीं किए। आज हम उनके जीवन में जो परीक्षा की घड़ी आई थी उस घड़ी पर, उस घटना पर हम मनन करके हमारे जीवन में आने वाली परीक्षा की घड़ियों के लिए, प्रलोभन के समय के लिए उनसे सीख लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हमें कृपा दीजिए, हमारे मन दिल हृदय को खोल दीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस साधना को हम सफलता पूर्वक कर सके और आपके पुत्र से संयुक्त रहने का अनुभव हम सबों को मिले। ये पवित्र आत्मा आइए, हमारे मन दिल हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, हमारे मनों को खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचन को सुन सके। हे प्रभु यीशु, हम आपके साथ रहकर आपके जीवन में प्रवेश कर आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे बल पाना चाहते हैं। प्रभु जी हमें शक्ति दीजिए कि हम आपके लिए अपना हृदय, अपना मन खोल सके। हमारे मन में, हमारे दिमाग में आपके बारे में जो धारणाएं हैं उन सबको छोड़कर आपसे आपके बारे में हम सीख सके, और हम अपने बारे में भी आपसे सीख सके। हे हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों, हमारी सहायता करने आइए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की हमारी साधना के लिए जो पाठ हम चुने हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1-11। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको
यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। इस पाठ को कम से कम और 2-3 बार पढ़ लीजिए। इसमें जो घटना घटित हुई और उसके अंतर्गत जो डिटेल्स है वो सब हमें ध्यान में आना बहुत जरूरी है। आइए साधना के पहले चरण में हम जाते हैं, मनन चिंतन। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जब ईश्वर के पास हमारे प्रलोभन और परीक्षा की घड़ियों को लेकर जाते हैं, हम वास्तव में ये समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे ज्यादा वो इसको समझता है कि परीक्षा में गिरने का या प्रलोभन में पड़ने का अर्थ क्या होता है। क्या कभी भी आप अपने प्रलोभन को या परीक्षा को लेकर प्रभु के पास गए हैं और कभी आप उनसे सलाह लिए हैं? सलाह हम उनसे लेते हैं जिन्हें अनुभव होता है, नहीं तो हम उनसे और कुछ मांगेंगे। सलाह हम उसी व्यक्ति से लेते हैं जो उसका अनुभव किया हो या उसके बारे में जानकार हो, अन्यथा हम उनसे सलाह नहीं लेंगे। कभी भी हम ईश्वर से सलाह लेते नहीं, उल्टा हम उन्हें जाकर समझाते हैं कि परीक्षा का मतलब ये होता है, इसमें ये हुआ, हम उन्हें समझाते हैं। प्रार्थना में भी अधिकांश होता वही है, हम उन्हें समझाते हैं और हम उन्हें जानकारी देते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए भी हम उन्हें बताते हैं। हम तो बहुत ज्ञानी हैं, ईश्वर से ज्यादा जानकार व्यक्ति। लेकिन आज का यह पाठ हमें बताता है कि प्रभु येसु परीक्षा के बारे में, प्रलोभन के बारे में जानते हैं, उन्हें अनुभव है। जानकारी केवल नहीं, उन्हें अनुभव है इसका कि परीक्षा में गिरने का या प्रलोभन में पड़ने का अर्थ क्या होता है। इसका अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्हें है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से मनुष्य बने, पूर्ण रूप से हर तरह हमारे समान थे, केवल वे पाप नहीं किए। पाप को छोड़ वो हर परिस्थिति में, हर चीज में हमारे समान। इसलिए जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है या प्रलोभन आता है, हम उनके पास जा सकते हैं, उनके पास हम खुलकर हमारी बात रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शैतान जब हमारी परीक्षा लेता है वो कहां तक हमें घसीट कर ले जा सकता है, कितना हमें धक्का देकर ले जा सकता है, खींच कर ले जा सकता है, प्रभु पूर्ण रूप से जानते हैं। क्योंकि इस घटना में हमने सुना है कि 3 बार वो अपना तरीका बदलते गया और यहां तक पवित्र वचन का भी वो सहारा लेता है। उसको ट्रिक बहुत मालूम, वो हमें फंसाने के लिए हर संभव, हर तरीके से वो कोशिश करता है। वो प्रभु भी जानते हैं, प्रभु को मालूम है कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए जब हम उनके पास जाते हैं, हमें खुलकर बोलना और पूरी जानकारी उन्हें देना, कोई भी बात छुपाए बिना, बहुत जरूरी है, क्योंकि वे हमें अकेले छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये घटना जरूर 2000 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन हमारे लिए ये कोई भूतकाल में घटित हुई कोई घटना नहीं है, आज की घटना, अभी की घटना है, वर्तमान की घटना है। ईश्वर कोई भूतकाल का कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे गांधी जी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, महान पुरुष लोग थे, उनके समान नहीं है। ईश्वर आज हमारे सामने, हमारे साथ उपस्थित है, जैसे पेत्रुस और अन्य लोगों के साथ वे थे, वैसे आज आपके साथ, मेरे साथ प्रभु हैं। इस सच्चाई को हमें कभी भूलना नहीं है। वे हमारे हम सफर बनकर, हमारे साथ चलने वाले सह यात्री बनकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, इसलिए वे धरती पर आए। इस सच्चाई को अपनाना बहुत जरूरी है, हमारे क्रिश्चियन जीवन का, मैं सोचता हूँ, ये आधार। इस दूसरे आदम के प्रलोभन या परीक्षा के साथ साथ हम प्रथम आदम और हेवा के प्रलोभन और परीक्षा को थोड़ा सा मिलान करके देख लेते हैं, तुलना करके देख लेते हैं। उनके पास भी शैतान गया, वास्तव में हेवा के पास केवल वो नहीं गया होगा, वो आदम के पास भी बहुत बार गया होगा, हेवा के साथ भी बहुत बार गया होगा, उनको प्रलोभन में गिराने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाया होगा।
मैं सोचता हूं वो केवल सांप के रूप में नहीं अन्य रूप में भी जरूर गया होगा, और वो एक दिन की या एक महीने की या एक साल की घटना नहीं थी, वो धीरे 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 उनको गिराया। जो घटना आज के सुसमाचार से लेकर हम मनन कर रहे हैं, इस घटना में भी हम देखते हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि तुरंत 2 मिनट में सब खत्म हो गया होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब आखिरी बार कोई प्रलोभन में पड़े या परीक्षा में गिरे, उस घटना को थोड़ा सा ध्यान में लाकर आप सोचिए, वो एक सेकंड में ऐसे हुआ नहीं होगा, वो कहीं कुछ शुरू हो के फिर धीरे 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 उसमें फंसे। कभी कभी ये दिन लग जाते हैं, कुछ दिन। राजा दाऊद जो उरिया की पत्नी के साथ जो गलत काम किए थे, उस घटना को भी आप देखिए, वो तुरंत ऐसे ही देख के ऐसे खत्म नहीं हुआ, उसमें भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चली। आदम और हेवा के साथ में भी यही हुआ, वो उनका भरोसा जीता, उसके बाद में उन लोग ईश्वर से ज्यादा उस शैतान की बात पर भरोसा करने लगे। यह है सबसे बड़ा जो खेल शैतान हमारे जीवन में खेलता है। वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे एक सींग लेके काला व्यक्ति ऐसे काला कपड़ा पहन के ऐसे आता नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसे कभी नहीं आएगा। कहीं कहीं संतों की जीवनी में लिखा हुआ वो स्वर्गदूत के रूप में आया था, तो ये बहुत बड़ा कतरा केल है, आसान नहीं है। वो वचनों का भी उपयोग करेगा। देखिए प्रभु यीशु के पास वो पवित्र वचन लेकर प्रभु को गिराने की कोशिश किया, हमारे साथ कितना खेलता होगा वो वचन के लेके, वचन के सहारे से हमें गिराने के लिए कितना कोशिश करता होगा। आदम और हेवा को गिराने के लिए भी वो वचन का सहारा लिया था। वो क्या बोला, यदि आप इसको खाओगे तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। वास्तव में ईश्वर उन्हें अपने समान बना चुके थे, वचन में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में वैसे लिखा गया है, अपने समान अपने स्वरूप में उन्हें बनाया। लेकिन अध्याय 3 में हम देखते हैं कि शैतान उन्हें उसी बात को ले आकर उन्हें बताता है कि तुम इसको खाओगे तो तुम बन जाओगे। शैतान बहुत बड़ी बड़ी चालाकी चलाता है, वो अच्छे अच्छे लोगों का उपयोग हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें गिराने के लिए कर सकता है, ये किसी भी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। वास्तव में प्रभु यीशु के समान एक अच्छा दोस्त हमारा कभी कोई नहीं बन सकते, इसको आप अपने मन में बैठा लीजिए। आदम और हेवा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वे ईश्वर से ज्यादा शैतान पर भरोसा करने लगे थे, वे ये संदेह करने लग गए थे कि कहीं ईश्वर उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा, यह संदेह यह विचार उनके मन में आ गया। उन्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ईश्वर हमारी बुराई कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम ईश्वर के पास जाकर हम चिल्लाते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम कितने बार ईश्वर से प्रश्न पूछे होंगे, यह बहुत जरूरी है, बात ध्यान में रखिएगा। प्रभु यीशु के समान एक दोस्त, एक मित्र कहीं भी कभी भी हमें नहीं मिल सकता। हम जितने भी बार गिरे, हम जब वापस लौटेंगे, हम मुड़ेंगे प्रभु के पास, वो धैर्य के साथ हमें अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, हमें ढाढ़स बंधाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है। इसका मतलब यह नहीं कि हम परिस्थिति में या पाप की स्थिति में हमेशा बने रहें और प्रलोभन में गिरें और पाप करते रहें, सॉरी ऐसा नहीं, लेकिन उनका जो धैर्य है, उनका जो पेशेंस है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। केवल वो ये चाहते हैं कि हम वापस लौटें। इसके पहले के दिनों के मनन चिंतन में भी या साधना में भी हम यही बात देखे हैं, मनन किए हैं पवित्र वचन से, प्रभु की सहानुभूति की कोई सीमा नहीं, वो पूर्ण है, क्योंकि वो हमारे समान रहे और आज भी है। आज भी वो हमारी जो मानवता को या मानव स्वभाव को जो धारण किए थे, वो स्वभाव आज भी उनके साथ, तो हमारे लिए उनकी जो चाहत, हमारे लिए जो ख्याल रखते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। वो एकदम पवित्र भी, उसके पीछे कोई मतलब की बात ही नहीं। तो हम प्रभु यीशु से सुने, इस परिस्थिति में प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं।
हे मेरा दोस्त, तू डरते क्यों हो? तुम जितने भी कमजोर क्यों ना हो जाए, तुम गिर भी जाए, मैं हमेशा वहां रहकर तुम्हें उठाने के लिए तुरंत आ जाता हूं। लेकिन चुनौती यह है कि तुम मेरे हाथ पकड़कर उठने के बदले में, मेरे पास आने के बदले में, तुम मुझसे दूर चले जाते हो, मुझसे मुंह मोड़ लेते हो, मुझसे डर जाते हो। मेरा दोस्त, मैं जानता हूं प्रलोभन में पड़ने का मतलब क्या होता है, गिरने का मतलब क्या होता है। कलवारी की राह पर मैं भी गिरा, तुम मुझ पर भरोसा करना सीख, प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करना सीख। और तुम अपने आप को मेरे हाथों में जब देते हो, तुम विश्वास कर, भरोसा रख, कभी भी कुछ भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। प्रलोभन में पड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जब भी गिरते हो, मेरे पास तुरंत आने सीखो, क्योंकि जब तक तुम मुझसे सहायता नहीं मांगते हो, हेल्प नहीं लेना चाहते हो, या हेल्प मांगते नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा फ्रीडम सबसे बड़ा है। इसलिए तुम्हारी इच्छा के बिना, तुम्हारे मांगे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं देखते ही रह जाता हूं। मैं तुम्हें दो व्यक्तियों का, मेरे साथियों का उदाहरण तुम्हें देना चाहता हूं। एक है पेत्रुस। पेत्रुस मेरा परित्याग किया, लोगों के सामने वो अस्वीकार किया मुझे, वो कहा है कि मुझे जानता तक नहीं है, एक नौकरानी के पास में। लेकिन उस घटना के बाद वो मुझ पर भरोसा रखा, वो मेरी ओर मुड़ा, मुझे देखा और मेरी दृष्टि उसे शुद्ध किया, वो बच गया। वो जरूर उसके बाद में रोया, लेकिन वो पहली और आखिरी बार नहीं था, उसके बाद में भी पेत्रुस गिरा। लेकिन दूसरा एक उदाहरण है, मेरा शिष्य, मेरा दोस्त यूदास इस्कारियों। वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाया, वो मुझे पकड़वाने के बाद में भी मैं उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश किया, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छा, मेरी बातें उसी के पीछे जा रही थी। मुझे पकड़वाने के बाद जब वो जा रहा था, मैं उसी को ही देख रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं उससे कहूं, यूदास मैं तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाया, वो मुझसे मुंह मोड़ लिया, मुझसे दूर चला गया, उसे कभी लगा नहीं कि मैं उससे क्षमा कर सकता। वो अपना ध्यान मुझसे हटाकर अपने ऊपर, अपने पापों पर, अपनी गलती पर लगा दी। एक बार भी मुझे पकड़वाने के बाद मुझे देखा नहीं, एक बार भी वो नहीं देखा मुझे। खास एक बार भी वो मुझे देखा होता, उसका अंदाज़ ऐसे नहीं हुआ होता, वो भी पेत्रुस के समान बच गया। मैं कितना चाह रहा था कि वो वापस लौटे, वो मुड़कर देखे मुझे कम से कम एक बार। जब मैं प्रलोभन में पड़ा या मेरी परीक्षा हुई थी, मैं वास्तव में तुम्हें सिखाना चाह रहा था। मैं भी जरूर वहां लड़ रहा था शैतान के साथ, शैतान मुझे भी गिराने की कोशिश किया, उसके चाल मुझे जरूर पता चला और मैं जीत गया। तुम्हारे जीवन जितने बार प्रलोभन आए, ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, ये आएंगे तुम्हें शक्ति और बल प्रदान करने के लिए, तुम्हें परखने के लिए। इसलिए जब कभी प्रलोभन आए तो मेरी ओर दौड़ के आना, मेरा हाथ थाम लेना, मैं हर क्षण हर पल तेरे साथ हूं तुझे संभालने के लिए, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। उतना कर लोगे तो कुछ भी और कोई भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सके। आइए हम कुछ क्षण लें और इन बातों पर हम मनन करें, हम इन्हें आत्मसार करने की कोशिश करें और प्रभु को प्रत्युत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो जाए। हे प्रभु, तेरे जीवन का लक्ष्य एक ही था, तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरे मिशन के प्रारंभ में और अंत में जो घटनाएं पवित्र वचन में लिखी गई हैं, उन सब में मैं यही देखता हूं, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही अपने आप को अर्पित कर दिया।
हर परिस्थिति में तेरे पास और कोई कारण नहीं था, और तू यहां तक कह डाला कि तेरा भोजन भी तेरे पिता की इच्छा पूरी करना है। लेकिन मेरे जीवन में मेरे लक्ष्य, मेरे जीवन का कारण सब बहुत अलग है। मेरे जीवन की मेरी योजनाएं और उस योजना को पूरी करने के लिए तेरा उपयोग करना और हर परिस्थिति में अपनी इच्छा ढूंढना, कभी भी ये नहीं ढूंढना है कि इसमें ईश्वर क्या चाहते हैं, पिता इसमें क्या चाहते हैं। शायद कभी भी मैं ये प्रश्न नहीं पूछ पाया। ये प्रभु, आज मैं तेरे पास आया हूं, मुझे सिखा। मेरी सोच और तेरी सोच के बीच में जो गैप है, स्वयं की इच्छा पूरी करना और पिता की इच्छा पूरी करने के बीच में, इस गैप को मैं कम कर सकूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने वाला एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बन सकूं। हे प्रभु, मैं सदैव पेत्रुस के समान तेरे पास दौड़ कर आ सकूं, तुझ पर मैं दृढ़ भरोसा रख सकूं। मेरा हृदय तेरा मंदिर, तेरा राज्य बन जाए और तू उस राज्य का राजा, मुझे संभाल। आइए हम इन बातों को और आपके मन में जो बातें, जो विचार उठ रहे हैं, उनको और भी गहरा करने की कोशिश करिए, आत्मसार करने की कोशिश करिए। आइए हम तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु येसु, तू मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत कार्य किए हैं, हर क्षण हर पल तू मेरे साथ है, और मैं पाप स्वीकार में, मेल मिलाप संस्कार में आकर पापों को बताता हूं और पाप क्षमा पाता हूं, और मैं जरूर संकल्प लेता हूं, निर्णय लेता हूं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत आसानी से भूल जाता हूं। तू मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मरा, सिर्फ मेरे लिए। तेरी परीक्षा ली गई, तू उपवास किया, तू भूखा था मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे भी सिखा, मुझे भी तेरे पथ पर, तेरे राह पर चलने सिखा, और मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मुझे भी सिखा कैसे मैं तेरे समान हमेशा पिता की इच्छा ढूंढता रहूं। मुझे सिखा कि मैं कैसे अपने आप को भूल जाऊं। मुझे सिखा प्रभु। इन बातों को और भी गहरा होने दीजिए और समय लीजिए अपना। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हम एक निर्णय और संकल्प लेते हैं। प्रभु येसु के साथ आज हमारे वार्तालाप या इस साधना में जो सीख मिली या जो प्रभु हमें सिखाए, उससे आप प्रेरित होकर कम से कम एक दो निर्णय या संकल्प लिखिए अपने डायरी में, और इन्हें अमल करने की भी कोशिश करिएगा अपने जीवन में। और ये डायरी बहुत जरूरी है, केवल इन निर्णयों को नहीं, संकल्पों को नहीं, बल्कि अन्य जितने भी आपका अनुभव है इसके अंतर्गत, उन सबको अपने जर्नल में, अपने डायरी में लिखने की कोशिश करिए, बहुत काम आएगा। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद। हे परम पावन दयाल पिता, आज के इस शुभ दिन के लिए, इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने पुत्र के वचनों के द्वारा पोषित कर रहे हैं, हमें उनका अनुभव करा रहे हैं, हमें उनके समान बनने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम भी हमेशा हर क्षण हर पल तेरे पुत्र के समान हमेशा तेरी इच्छा खोजने वाले, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए जीने वाले बन सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमेशा आप हमारे साथ हैं, हमारे अभ्यंतर में हैं, हमारे शरीर में आप निवास करते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम आपकी आवाज हम हमेशा सुन सके, हम प्रभु येसु के समान आपके अधीन रह सके, हम आपसे प्रेरित होकर अपना जीवन जी सके। हे प्रभु येसु क्रिस्त, हमारे दोस्त, मेरा भाई, आज के इस समय के लिए, अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। हमें विशेष कृपा दीजिए कि हम हमेशा आपके पथ पर चले, हमेशा जो बातें आज की इस मनन चिंतन में, इस साधना में आप हमें सिखाए, उसको हम ध्यान में रखकर जब कभी हम प्रलोभन में, परीक्षा में पड़ जाएं, हम आपके राह पर चल सके, आपके पास दौड़ कर आ सके, आपसे बल पाकर अपना जीवन जी सके। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए,
हमारा मार्गदर्शन दीजिए, हमारे साथ चलिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमेशा प्रलोभन आते रहेंगे मरते दम तक, लेकिन आज प्रभु हमें जीने सिखा रहे प्रलोभनों का सामना करने, और उसमें यदि हम गिर जाएं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में प्रभु हमसे बातें किए। और मैं विश्वास करता हूं इसमें जितना गहराई में हम मनन करते जाएंगे, ईश्वर और भी हमें अपना रहस्य खोलते जाएंगे। इसके लिए हमें समय की जरूरत है, ईश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए, और हमारे लिए विशेष प्रार्थना करिए, और दूसरों को भी आप प्रेरित करिए कि वे इस साधना में वे भी भाग लें। ईश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।